अस्सलाम वालेकुम। जेके एमबीपीएस स्कूल ना धोरण आठना विद्यार्थियों हूँ स्वागत करू छू। अपना गुजराती ना विषय में आनी पहला आपणे चित्रपाट जोयू बजार में, हवे आजे काव्य बे एकज दे चिंगारी विषे आपणे जोईशू। एकज दे चिंगारी काव्यना कवि छे हरिहर प्राणशंकर भट्ट। विद्यार्थी मित्रों, आ एक प्रार्थना गीत छे। काव्य ने समझता पहला आपणे एक वक्त शब्दना अर्थ विषे जोई लईशुं। चिंगारी एटले के तणखो, ज्ञानरूपी प्रकाशनू एक किरण। बीजो शब्द छे महानल। महानल एटले अग्नि स्वरूप परमात्मा एटले के ईश्वर भगवान। चकमक एक जातनो पत्थर। जामगरी, अहीं जामगरी शब्दनो अर्थ जिंदगीना संदर्भे वपरायो छे। विपत, विपत एटले दुख। आभ अटारी एटले के आकाशरूपी झरूखो, अंग्रेजी में आपणे बालकनी कहीए छे। ठंडी में एटले निष्क्रियता में। विश्वानल एटले के अग्निरूपी परमात्मा। विद्यार्थी मित्रों, आ शब्दना अर्थ अत्यारे तमारे लखवाना नथी, फक्त आ वीडियो सांभळवानो छे। हूँ शब्दना अर्थनी इमेज मोकलीस अने प्रश्नोनी इमेज मोकलीस। ए समय तमारे एक वक्त काव्य लखवानू छे, काव्यनी पण इमेज मोकलीस। एक वक्त काव्य नोटमां लखवानू सारा अक्षरे। काव्य लखाई गया पछी शब्दना अर्थ लखवाना अने त्यार पछी जे सवाल मोकलीस एना तमारे जवाब लखवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे हवे काव्यने समझवानी कोशिश करीशुं। एक ज दे चिंगारी, महानल, एक ज दे चिंगारी, आ बे पंक्ति में कवि कहवा मांगे छे के हे महानल अग्नि स्वरूप परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हूँ आपनी पासे केवल एकज चिंगारी एटले के ज्ञानरूपी प्रकाशनू केवल एकज किरण मांगू छू। त्यार पछी कवि कहे छे चकमक लोढ़ू घसता घसता खर्ची जिंदगी सारी, जामगरी में तणखो न पड़ियो न फड़ी मेहनत मारी, महानल एकज दे चिंगारी। आ पंक्तिओ में कवि कहे छे कि चकमक एटले के एक जातनो पत्थर अने लोढ़ू एटले के एनी जिंदगी में मेहनत करता करता, जीवन में नाना मोटा कार्यों करता कविए आखी जिंदगी खर्ची नाखी, छताए जामगरी में एटले के जिंदगी ना ज्ञानरूपी प्रकाश थयो नहीं, एमनी जिंदगी में ज्ञानरूपी प्रकाश थयो नहीं। एमा मारी एटले के कविनी बधी मेहनत निष्फळ गई, हे ईश्वर हूँ आपनी पासे ज्ञानरूपी प्रकाशनू केवल एकज किरण एटले के चिंगारी मांगू छू। त्यार पछी कवि कहे छे चांदो सड़गियो सूरज सड़गियो, सड़गी आभ अटारी ना सड़गी एक सगड़ी मारी, वात विपत निभारी महानल एकज दे चिंगारी। आ पंक्ति में कवि कहे छे कि चंद्र प्रकाशित थयो, सूर्य प्रकाशित थयो अने आकाशनी अटारी झड़ी उठी, पण एक मारी जिंदगी रूपी सगड़ी सड़गी नहीं, अर्थात मारा जीवन में प्रकाश थयो नहीं। मारा माटे आ घटना बहुज दुखदायक छे, हे परमात्मा हूँ आपनी पासे ज्ञानरूपी प्रकाशनू केवल एकज किरण एकज चिंगारी
માંગુ છું। ત્યાર પછી કવિ કહે છે, ઠંડીમાં મુજ કાયા થથરે, ખૂટી ધીરજ મારી, વિશ્વાનલ હું અધિક ન માંગું, માંગું એક ચિનગારી, મહાનલ એક જ દે ચિનગારી। કવિ કહે છે, ઠંડીમાં હું ધ્રુજી ઉઠું છું, ઠંડી એટલે કે અનેક પ્રકારના દુઃખો એમને સતાવી રહ્યા છે, ડરાવી રહ્યા છે, હવે તો મારું ધૈર્ય ખૂટી ગયું છે, હે વિશ્વાનલ હું આપની પાસે વધારે કશું માંગતો નથી, હે પરમાત્મા માંગું છું માત્ર એક જ ચિનગારી, જે મારા જીવનમાં જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશને ફેલાવી દે। તો મિત્રો, તમને આ કાવ્યમાં સમજ પડી હશે, વારંવાર એને રિપીટ કરીને તમે એને જોઈ શકો છો। આને સંદર્ભિત હું ઓબ્જેક્ટિવ સવાલનું ગૂગલ ફોર્મ અને ત્યાર પછી વર્ક નોટ પણ આપીશ, એના સવાલ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે, વર્કશીટમાં જે સવાલ આપીશ તેના। અત્યારે આ કાવ્ય તમે વારંવાર રિપીટ કરીને એને જોશો તો વધુ સમજ તમને પડશે।